सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से परमानेंट डबल गुड न्यूज़ यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन ने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक साथ डबल वैकेंसी जारी कर दी है, जहाँ पर आपका वेतन 50,000 पर मंथ रहने वाला है। पहली वैकेंसी आप देख सकते हो साइकेट्रिक नर्स का रहने वाला है, और दूसरा आपके लिए यहाँ पर कम्युनिटी नर्स का पोस्ट रहने वाला है। फॉरम स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं, हम आपको बताने वाले हैं फॉरम आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉरम भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पर रहने वाली है, एज लिमिट आपका क्या रखा गया है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ए टू जेड सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कौन से नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से अपडेट आया है, तो ये आया है आप लोगों के लिए NHM दिल्ली, नेशनल हेल्थ मिशन दिल्ली की तरफ से ये अपडेट आ चुका है। तो चलिए नोटिफिकेशन को वन बाय वन करके समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड कर लिया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल सीधी भर्ती रहने वाली है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, बस आपका इंटरव्यू अच्छा खासा चला जाना चाहिए, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसका पूरा टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हो। पहला तो आप लोगों के लिए नंबर थर्ड पर देखो साइकेट्रिक नर्स का पोस्ट, ठीक है, तो इसका इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू होगा आपका 16 मई को, ये डेट याद रखना आप। और कम्युनिटी नर्स के लिए 16 मई 2024 वहीं पे होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते क्या क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया हुआ है, ये टाइमिंग भी देख लो आप, ये पूरा टाइमिंग और पहले से आपको याद रखना है, द रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू बिटवीन 9:30 AM एंड 10:30 AM, ये आपके लिए टाइमिंग रहने वाला है। और ये आपका एड्रेस दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन 6th फ्लोर, और यहाँ पर सिविल लाइन दिल्ली 54, ये पूरा एड्रेस। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अप्लाई आपको कैसे करना है। आप भी सोच रहे होंगे सर अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्मेट यूज कैपिटल लेटर, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, अब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हो नोटिफिकेशन में, तो ये आपको मिल जाता है इसी के अटैच में, ये इसका फॉर्म है, ये आपको भरना होगा। ये तो देखो हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तभी तो बार बार आपसे बोलते हैं कि टेलीग्राम को फॉलो करके रखना, ताकि वहाँ पर एक तो आपको फॉरम का फॉर्मेट मिल जाता है, दूसरा कोई भी वैकेंसी आए उसका लिंक आपको मिल जाता है वेबसाइट का, और इमिडिएटली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाता है वहाँ पे। ये फॉरम आपको कैपिटल लेटर में भरना है, आपका नाम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, ठीक है। इसी प्रकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ये सारा आपको कैपिटल लेटर में भरना होगा। ये देखिए जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है, जो भी आपकी उपलब्धियां रही है, सब आपको फिलअप करना है, सिग्नेचर फिर आपको कर देना है। अब ये फॉरम फिलअप हो जाने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसका लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, 10वीं का मार्कशीट आप लगा सकते हो, है ना, और इसके बाद 12वीं का मार्कशीट, और आपका नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा जो आपने हासिल किया है वो लगाना है, और आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और वैलिड आईडी आधार पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको लगाना है, और पासपोर्ट साइज के फ़ोटो यहाँ पर देखो आप अटैच टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक, ये आपको तैयार करके रखने होंगे। अब यहाँ पर ये सारा जो आपने तैयार करके रखा
फॉर्म भर के जो रखा आपने, उसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेकर जाने होंगे। एक तो आपको फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है, दूसरा यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है, ये देख लो आप, वन फोटोग्राफ पेस्ट एंड वन सैंपल, क्लियर। और नेम द कोड ऑफ पोस्ट, आपको जो पोस्ट कोड है वो भी मेंशन करना है, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इनकी एक फोटोकॉपी आपको तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कमिंग फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए आपको आना होगा, डेट मैंने आपको बता दिया 16 मई। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लो, अगर आपके मन में रिजर्वेशन को लेके, एज रिलैक्सेशन को लेके डाउट है तो ये देखो आप। रिलैक्सेशन SC ST OBC वालों को मिलेगा, फिजिकली हैंडकैप्ट वालों को आरक्षण मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर द पैलेस ऑफ पोस्टिंग, आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पे, क्योंकि जैसे आपने अप्लाई किया तो आपके जैसे और भी कैंडिडेट आएंगे, तो जिसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहेगा उनको जॉब यहाँ पे दी जाएगी। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नोट डाउन कर सकते हो। आगे इन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन, तो इन ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोर्ट में जाना पड़े, कोई इश्यू हो गया तो कोर्ट ही सोल्व करेगा, ठीक है। और यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन और देख लेते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखो साइकट्रिस्ट की वैकेंसी भी है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी भी है, इसके अलावा यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स की वैकेंसी भी है। तो यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 35 रखा गया है, सैलरी 50,000 है। और BS नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, जिनके पास डिग्री है ना वो फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। मेंटल हेल्थ में जो डिपार्टमेंट है, जो वार्ड है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। अगला यहाँ पर जो कम्युनिटी नर्स की वैकेंसी है, पोस्ट कोड ये रहा है ना, और आपके लिए 40,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, एज लिमिट 35 रखा गया है। यहाँ पे भी BS नर्सिंग वाले फॉर्म भरेंगे, जिन्होंने BS नर्सिंग कर रखा है, और डिज़ायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और भी चलो यहाँ पर ये फॉर्म अटैच उन्होंने कर दिया, और ये मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। सो बेसिकली ये सारा लेके आपको जाना है, ये डेट आप देख लो 16 मई। बाकी इसको लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली आप सर्च भी कर सकते हो MKS Bro 5 ये टेलीग्राम चैनल, और देख लो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन और PDF फ्री में आपको मिलते रहते हैं।